सारे प्रधानमंत्री को एक साइड रखिए कि कितना तगड़ा फैसला ले सकते हैं, और इंदिरा गांधी को अकेले रखिए, लड़ गई सेनापति से कि आप अबे हमला कीजिए, आप समझ रहे हैं पूरा युद्ध, और उसमें से अमेरिका की धमकी, अमेरिका कह रहा है हम परमाणु बम मारेंगे, भेज दिया था परमाणु बम मारने के लिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, जिधर मुस्लिम ज्यादा थे कहा कि इस एरिया में केवल चुनाव कौन लड़ सकता है, मुस्लिम, और जहां जहां पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था वहां वहां पाकिस्तान बन गया, एक साइड पश्चिमी पाकिस्तान बना, एक साइड पूर्वी पाकिस्तान। वो तो इंदिरा गांधी का भला जो इन्होंने एगो पाकिस्तान का तूर के खत्म कर दिया। अब तक जितने प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं ना उसमें सबसे ढीठ समझते हैं इंदिरा गांधी। सारे प्रधानमंत्री को एक साइड रखिए कि कितना तगड़ा फैसला ले सकते हैं, और इंदिरा गांधी को अकेले रखिए, लड़ गई सेनापति से कि आप अबे हमला कीजिए, मानेकशॉ के करबे ना करेंगे हम अभी यहाँ पे, बरसात का समय है उधर बाढ़ आया रहता है, तब धीरे धीरे इंदिरा गांधी मानी, लेकिन मानेकशॉ कही थी कि हमारा जीतना है कैसे भी, तो कहे ठीक है जीतना, हम ही कहा कह रहे हैं कि नहीं जीतना है, लेकिन बरसात में कौन जाएगा खिंचाइन में लड़ने वहां पे, हाँ बाढ़ में आदमी दह जाएगा यहाँ पर, तो इतना ढीठ प्रधानमंत्री थी। हाँ मोदी जी भी ठीक है, लेकिन पीओके वगैरह का मैटर जब आएगा इंटरनेशनल वार के टाइम पे, वो भी उतना बड़ा, देखिए एक सर्जिकल स्ट्राइक या फिर ये सब स्टैंड ऑफ गलवान एक नॉर्मल कैटेगरी तक, मतलब ये बहुत हैवी नहीं हो जाता, एक फुल फ्लेजेड वार, आप समझ रहे हैं पूरा युद्ध, और उसमें से अमेरिका की धमकी, मार देंगे, सोचिए क्या कंडीशन हुआ होगा कि अमेरिका कह रहा है परमाणु बम मारेंगे, भेज दिया था परमाणु बम मारने के लिए, सातवां बेड़ा भेज दिया था, तो उस समय का प्रेशर समझ में आ रहा, मार दिया रहता उस ससुरा, उस समय उसको कोई नहीं रोकता, मार दिया रहता, एक बार शराब के नशे में उसका राष्ट्रपति बोल दिया था उत्तरी कोरिया पे बम मार दो, तो जो उसका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था ना उसने कहा कि छोड़ दो अभी पिए हुए हैं वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मना किया ना, तो मार दिया रहता से उधर उत्तरी कोरिया पे, उड़िया गया रहता उत्तरी कोरिया यहाँ पे, और उधर से वो पगला मारता जहां तहा, हमको मतलब नहीं, हम कहीं मार देंगे, कहीं मार देता वहां पे। इंदिरा गांधी के समय बहुत सारे चीजें थे, और हम लोग बहुत ज्यादा गरीबी में थे उस समय, बहुत पीछे थे हम लोग, अभी के समय पे मान के चलिए अभी आपकी स्थिति और नौकरी के बाद की स्थिति में अंतर हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो अभी अगर आप कड़ा डिसीजन ले लेते हैं तो वो ना बड़ा चीज हो जाता है, तो बहुत पावरफुल थे।